नमस्कार, मेरा नाम है सुशांत कोचर और आज हम बात करेंगे कि क्या कसरत करने के जस्ट बाद, मतलब कसरत करने के तुरंत बाद, क्या आप जब आपने कसरत करनी चालू करी थी उससे ज़्यादा ताकतवर हो। काफ़ी लोग, ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ सिर्फ ये समझाने के लिए, काफ़ी लोगों के दिमाग में ये गलत बात है या वहम है कि कसरत करते ही हम और ताकतवर हो गए, ऐसा हमारे भारत में काफ़ी माना जाता है। तो मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं है। मतलब आप कसरत करना चालू करते हो और कसरत ख़त्म करते हो, जब आपने चालू करी थी उस समय से अभी जब आपने कसरत ख़त्म करी है आप कमज़ोर हो। मतलब कसरत करने के तुरंत बाद आप कमज़ोर हो उस टाइम से जब आपने कसरत चालू करी थी। मैंने आपको बताया था कि कसरत, एक तो सबसे पहले आपके शरीर की ऊर्जा काफ़ी खर्च हो गई है, तो आपका शरीर में वैसे अब ऊर्जा कम है, आप ऐसे समझ लो एनर्जी कम है अब आपके शरीर में। एक मैंने अपने वीडियो में आपको बताया कि हम कसरत करते तो हमारी मसल ब्रेक होती है, हमारी मसल टूटती है, तो अब जब वो ब्रेक हो गई है तो वो एक तरीके से कमज़ोर हो गई है, तो अब वो उतनी ताकतवर नहीं है जितनी वो ब्रेक होने से पहले हुआ करती थी। तो जब आपने शुरू करी थी उस टाइम से अभी आप ज़्यादा कमज़ोर हो कसरत करने के तुरंत बाद। क्या इसका मतलब ये है कि हम कसरत ना करें? नहीं, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम कसरत ना करें। कसरत करने से आप एक बार के लिए कमज़ोर हुए कसरत करने के तुरंत बाद, पर उसके बाद जो आप खाना खाओगे, जो आप अपने शरीर को आराम दोगे, उससे आपकी रिकवरी होगी, जिससे आप जब आपने कसरत करी थी उस टाइम जितने वापस ताकतवर हो जाओगे, हो सकता है उससे भी ज़्यादा ताकतवर हो जाओ। अगर आपने सही खाना दिया खुद को, सही आराम दिया खुद को, और अगर आपने हद से ज़्यादा कसरत नहीं करी, मतलब आपने ओवर ट्रेनिंग नहीं करी, मतलब आप ढंग से खाना खाओगे, आराम करोगे, एक दिन, दो दिन, तीन दिन, लगभग इतने में आपकी बॉडी, आपका जो शरीर है वो रिकवर हो जाता है, वो वापस से तैयार हो जाता है पहले जितना या पहले से ज़्यादा अच्छा। तो एक दो तीन दिन में आपकी बॉडी रिकवर हो जाएगी। तो मैं ये समझाना चाहता था, काफ़ी लोगों के दिमाग में होता है कसरत करते ही तुरंत बाद हम पहले से ज़्यादा ताकतवर हैं, तो ऐसा नहीं है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करो। मैं आपसे अगली वीडियो में मिलूंगा।